सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। पहला पेश ने चुनवीआं खबरां। मुख्यमंत्री चन्नी दी कैबिनेट दा वड्डा फैसला, सरकार दे वल्लों पंजाब दे 53 लाख परिवारां दे बिजली बिल होए माफ। नवजोत सिद्धू दे अस्तीफे मगरों सिद्धू दे घर लगा विधायकां ते मंत्रियों दा तांता, पर नहीं मन्ने नवजोत सिद्धू। कैनेडा विजिटर कर सकते हैं वर्क परमिट अप्लाई। नवजोत सिद्धू तो बाद कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी दिता अस्तीफा। अस्तीफा देने तो बाद मीडिया के सामने आए नवजोत सिद्धू, कहा पंजाब के पंजाबियों के लिए हर कुर्सी कुर्बान। सुखबीर बादल ने नवजोत सिद्धू दसिया मिसगाइडड मिसाइल, तो क्या पंजाब छड़ मुंबई चले जा नवजोत सिद्धू। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन मौके बरनाला दे विच संयुक्त किसान मोर्चे की कीती साम्राज विरोधी कॉन्फ्रेंस। हुण खबरां विस्थार नाल। मुख्यमंत्री चरजीत सिंह चन्नी ने वड्डा फैसला कर दिता है। सो वड्डा ऐलान उन्होंने वालों किया गया। अज कैबिनेट मीटिंग तो बाद उन्होंने कहा है कि 2 किलोवाट तक के लोड वाले मीटर का बकाया बिल पंजाब सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को बिजली के बिलों की सब तो बड़ी मुश्किल आ रही है, लोगों के बिल ज़्यादा होने कारण वो जमा नहीं करवा सकते। सो इस दे नाल ही 53 लाख परिवारों को लाभ भी मिलेगा, तो सरकार के उपर 1200 करोड़ की करीब बोझ पेगा। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार रेत माफिया नत्थ पाएगी, इस लिए सरकार काम कर रही है तो सफलता भी मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को जो मुश्किल आ रही ने मैं उन्होंने दूर करने के लिए वचनबद्ध हाँ। नवजोत सिद्धू के अस्तीफे के उपर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने वड्डी गल कही है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू के नाल अज गल हुई है, उन्होंने मिलकर मामला हल कर लेंगे। सो उन्होंने ये भी दसिया है कि प्रधान पार्टी का मुखी हुंदा है, उन्हां दी पार्टी प्रति वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है, जेकर कुछ गलत हो रहा है तो उसनू सलाह देनी चाहिए। उन्हां दी सलाह पहला भी मनी जाती है तो अगे भी मनी जाएगी। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री दे अहुदे दे उपर रहिंदिआं ना बेईमानी ते ना ही गदारी करनगे। लगातार पिंडां दे विच शहरां दे विच अपने पंजाब दे लोकां दे विच घूम रहे हां, जो मैनू फीडबैक मिलती है, जो लोग मैं दसते हैं जिस तरीके दियां मुश्किलां लोकां दे सामने आ रही है वो मैं पता लग रही है, तो मैं एक एक मुश्किल का हल करने लई वचनबद्ध है, करनी है। इन्हां मुश्किलां दे विच एक बहुत बड़ी मुश्किल है पंजाब दे लोकां नूं बिजली दे बिलां दी। सो असीं उस दे विच काफी राहत देना चाहते हैं, जिहड़ियां एक दो किस्तां दे विच असीं बार बार मीटिंग करके डिस्कस करके ये राहत दवांगे। सब तो बड़ी जिहड़ी समस्या मैं पिंडां दे शहरां दे विच जाके देखी है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के बिल ज्यादा होने करके वह जमा नहीं करा पाए तो उन्होंने मीटर कट गए। हुण अज दे जमाने दे विच बिना बिजली के रह रहे हैं कुछ बंदे जिन्हें मेरे दिल नूं बहुत टुंबिया है। मैनू दुख होया इस चीज का कि बिजली का मीटर कटिया होया है ते ओ लोग बिना बिजली तो रह रहे। जो सरकारी फिगर मैनू दिती गई है 55,000 तो 1 लाख दे विच लोकां दे घरां दे बिजली दे कनैक्शन बिजली का बिल ना देने करके कटे हुए। सो उहदे वास्ते अज असीं अपनी कैबिनेट दे विच विस्तार पूर्वक विचार किया है। 2 किलोवाट तक जेड़ा कंज्यूमर है वो 53 लाख है पंजाब दे विच, टोटल 72 लाख कंज्यूमर है। सो लगभग 75-80% कंज्यूमर है जेड़ा वो 2 किलोवाट दे विच विच आ जाता है। ते मैं जो सर्वे कराया जो मैं देखिया ये जेड़े कंज्यूमर दे 2 किलोवाट दे तक दे, चाहे उहदा 1 किलोवाट लोड है, चाहे उहदा 500 वाट लोड है, चाहे 1.5 किलोवाट लोड है, 2 किलोवाट तक दे कंज्यूमर जिन्ने हैगे है पंजाब दे विच जेड़े कि लगभग 80% है या 75% है टोटल आबादी दे, उहनां दा पिछला जेड़ा बिल आया उहनां दा उहदे विच एक तो पिछले महीने का बिल लिखिया होया, एक बकाए लिखे हुए है भी तुसीं इन्ने दे डिफॉल्टर हो। वो बकाया सारा
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ। नवजोत सिद्धू के अस्तीफे के मगरों पंजाब कांग्रेस के मची भगदड़ के दौरान पार्टी के दर्जनों तो उपर विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए उन्होंने घर पहुंचे ने। राती 9 बजे कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह राजा वड़िंग विधायक सुखपाल खैरा निर्मल शुतराणा कुलबीर जीरा इंद्रजीत बुलारिया सुखविंदर डैनी परमल खालसा जगदेव कमालू बलविंदर सिंह समेत 1.5 दर्जन विधायक सिद्धू की रिहायश से पुजे ने। भारी पुलिस फोर्स भी तैनात सी। सिद्धू की रिहायश से कुलजीत नागरा और गुलजार इंद्र चहल भी मौजूद रहे। नवजोत सिद्धू के नाल मुलाकात करने तो बाद नवजोत सिद्धू के खासम खास से कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने राजा वड़िंग ने भी कहा है कि नवजोत सिद्धू कुछ गल्लां नूं लेके नाराज ने जिन्हां नूं जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। राजा वड़िंग ने पत्रकारों के नाल गलबात करते हैं कहा है कि नवजोत सिद्धू का अस्तीफा हाईकमांड के वलों अजे तक प्रवान नहीं किया गया। कनेडा की नवी सरकार ने एक होर मांग नूं स्वीकार करते हुए ऐलान किया है कि जिन्हां लोगों नूं कैनेडा ने विजिटर वीजा दिते ने वो कनेडा की धरती के उत्तर दे ही वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, पर उन्होंने कुछ शर्तां भी दित्तियां ने। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति के सद्दे ते वो कनेडा के विजिटर वीजे पर जा रहे हैं वो कनेडा का PR होना चाहिए ते नाल ही जो भी तुहानूं विजिटर वीजे तो वर्क परमिट ते लैके जा रहा है उसके कोल LMI का पूरा रिकॉर्ड भी होना चाहिए है। दसना चाहते हैं कि इस ऐलान के नाल बहुत सारे विचार अधीन लोगों को फायदा होगा, पर कुछ लोगों ने ट्रूडो सरकार को बेनती की है कि उन्होंने वर्क परमिट तो कनेडा PR पाने के लिए IELTS टेस्ट तो छोट दी जाए, जिसकी कई मंत्रियों ने हमायत भी की है। पंजाब दे विच सरकार बने नूं एक हफ्ता भी नहीं होया कि अस्तीफे दियां झड़ियां लग गई ने। पहला सुबह कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी अते हुण कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। अस्तीफा देने तो पहला मलेरकोटला तो विधायक रजिया सुल्ताना ने नवजोत सिद्धू के नाल उन्हां दी रिहायश ते मुलाकात भी की है। रजिया सुल्ताना सिद्धू के राजसी सलाहकार मुहम्मद मुस्तफा की पत्नी भी ने, जिन्हां दे वल्लों भी रजिया सुल्ताना के अस्तीफे नूं पंजाब दे हित दे लई लिया गया है फैसला दस्या जा रहा है। सो नवजोत सिद्धू के नाल मुलाकात करन तो बाद रजिया सुल्ताना ने कहा है कि नवजोत सिद्धू असूलों वाले व्यक्ति ने ते पंजाब दी लड़ाई लड़ रहे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हटाए जाने संबंधी पूछे गए सवालों के जवाब दिंदिया रजिया सुल्ताना ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हटाण दा फैसला हाईकमांड दा सी ना कि नवजोत सिद्धू दा। उन्होंने भी कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ही पंजाब दे हितां दी लड़ाई लड़दे आ रहे ने ते इस बार भी पंजाब दे हितां नूं मुख रखदिया उन्होंने अपना अस्तीफा दिता है। सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया बताएं, क्या मनाया, क्या मनाया उन्होंने अपना? आपने बदलना चाहा, नहीं आपने लिया। एक बार सुने, हमने नहीं लिया इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। उन्होंने देखे ऐसे आप गलत बयानी ना करें और इस तरीके से बात ना करें, ठीक है? नहीं आप ये नहीं तो आप ये क्या कह रहे हो कि सारा कुछ आपके कहने से किया? हाईकमांड ने किया जो भी किया, ठीक है? नहीं हाईकमांड ने किया और बाकी जो बातें हैं मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी बसुलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। आपकी फोन पे बात है और पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान के अहुदे तो अस्तीफा देने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि किसी के नाल कोई निजी रंजिश नहीं है, मेरे राजनीतिक करियर के 17 साल एक मकसद फर्क लियाउण, एक स्टैंड लैण अते लोकां दे जीवन नूं बेहतर बनाउण दे लई ले जा रहे हैं, यह मेरा इको धर्म है। सिद्धू ने कहा है कि मैं अपने नैतिक अधिकार दे नाल समझौता नहीं कर सकता, जो मैं वेखदा हाँ वो पंजाब के मुद्दों एजेंडा नाल समझौता है। मैं ना तो हाईकमांड गुमराह कर सकता हाँ अते ना ही गुमराह कर रहा हाँ। सिद्धू ने कहा है कि मैं लंबे समय तो पंजाब दे नाल जुड़े मुद्दों के लिए लड़ता रहा, इत्थे दागी नेतावां अफसर की प्रणाली सी, हुण तुसीं ओही प्रणाली दोबारा नहीं दोहरा सकते, मैं अपने सिद्धांतों ते कायम रहांगा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों सूबे के भविख के नाल कोई समझौता ना होने का हवाला दिंदिया अस्तीफा देने तो एक दिन बाद सूबे की सियासत नवी हलचल पैदा कर दी गई है। पंजाब कांग्रेस जिथे कुछ विधायकों ते मंत्रियों के वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू खिलाफत कर रहे ने, उथे ही कुछ विधायक ते मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दे उपर अस्तीफा वापस लैण दे लई दबाव भी बना रहे ने। सूत्रों तो मेरी जानकारी दे अनुसार पता चलता है कि कांग्रेस हाईकमांड दे वल्लों अजे तक नवजोत सिंह सिद्धू दा अस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। 17 साल दा राजनीतिक सफर एक मकसद दे नाल कीता, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस, और मुद्दियां दी राजनीति दे उत्ते इक स्टैंड लैके खड़ना।
यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किर नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां ने। मेरी लड़ाई मुद्दियां दी है, मसलियां दी है, और पंजाब पक्षी एक एजेंडे दी है जिदे ते मैं बहुत देर का खड़ा रहा, और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूर्ण दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़ता रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक गल दसी है कि जदों कित भी द्वंद हो गए सच की राह तुर ते मोरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं ता ही आवाज दे विच फल आ गया। ते अज जदों मैं देखदा कि उन्हां मुद्दियां नाल समझौता हो रहा, अज जदों मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरणां दी धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने, जदों मैं देखदा कि जिन्होंने 6-6 साल पहला बादलों नूं क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दुद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दित्ता गया इंसाफ दा। पंजाब कांग्रेस की सियासत नवजोत सिंह सिद्धू के अस्तीफे को लेकर आए भूचाल के वेखद्या सुखबीर सिंह बादल सिद्धू से तंज कसदिया क्या है कि सिद्धू मिसगाइडेड बंदा है, पता नहीं ये मिसगाइड मिसाइल किसते डिगूगी और किसनों मारेगी। सुखबीर ने कहा है कि जो सिद्धू पंजाब का कांग्रेस का प्रधान बनाया गया तो पहला एक कैप्टन से डिगया और कांग्रेस पार्टी से ही डिग गया और कांग्रेस का सफाया कर दिता। सिद्धू के पंजाब को बचाने की गलते पत्रकारों को जवाब देंदे हुए उन्होंने कहा है कि जेकर सिद्धू पंजाब को बचाना चाहता है सिद्धू पंजाब छड़ के मुंबई चलिया जाए। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मांग की है कि 3 खेती कानून रद्द करन ते होर किसानी समस्यावां दा हल करन दे लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत किसानां दे नाल सिद्धी गलबात करन दे लई बिना शर्त सद्दा भेजन। एक बयान राही उन्होंने भी कहा है कि केंद्र सरकार दे वल्लों अंदोलनकारी किसानां दे नाल गलबात तो भजना साबित करता है कि सरकार अन्नदाते दा निरादर कर रही है। सुखबीर बादल ने दावा किया है कि अपनी नाकामियां नूं लुकाउण दे लई पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी नित नवा नाटक खेड रही है। 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि मिस जिहड़ा नवजोत सिद्धू है आ मिस गाइडेड मिसाइल है, इहदा पता नहीं किहदे ते डिगूगा ते किहनूं मारूगा। जदों प्रधान बणिया सब तो पहले कैप्टन ते डिगया, कैप्टन नूं तबाह कीता, ते हुण कांग्रेस अपनी पार्टी जिन्हें इहनूं प्रधान बणाया सी कांग्रेस पार्टी ते डिग पिया, हुण कांग्रेस दा सफाया करता ने। जिहड़े इंसान विच मैं आ जे ना परमात्मा उहनूं सही लाइन ते मैं इको ही करना जे पंजाब नूं बचाउणा सिद्धू सानूं बेनती करना ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ ਚਲੇ। शहीद भगत सिंह के 114वें जन्म दिहाड़े मौके भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे वल्लों दाणा मंडी दे विच कीती गई सूबा पदरी सामराज विरोधी कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। इस मौके ते सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहां ने सब तो पहला शहीद भगत सिंह दे जन्म दिहाड़े की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि ना सिर्फ खेती कानूनों की वापसी तक संघर्ष जारी रखा जाएगा सगू खेती किते अते मुल्क नूं चिंबड़ियां सामराजी जोकां अते उन्हां दे देसी जोटीदारां दा लुट तो मुक्त तक जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। जोगिंदर सिंह उग्राहां ने कहा है कि मोदी सरकार दे वल्लों ऐलाने गए खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई पिछले कई महीनों तो संघर्ष किया जा रहा है, पर सेंटर दी मोदी सरकार ने अजे तक बिल्लां नूं रद्द करके किसानां नूं राहत नहीं दित्ती है, जिसके चलदे हुण तक 600 तों वध किसान संघर्ष दे विच शहीद हो गए ने। यूनियन दे सूबा जनरल सकत्तर सुखदेव सिंह कोकरी कलां अते सूबा सीनियर मीत प्रधान झंडा सिंह जैठूके ने भारत बंद के सद्दे नूं समूह पंजाबियों के वल्लों दिते भरवें हुंगारे दे लई धन्नवाद भी कीता है। मैं झंडा सिंह जैठूके भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दा सूबे दा सीनियर मीत प्रधान हां। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 114ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ,
ये तो बिना जी अज की कानफ्रेंस का मंतव है मुख तौर पर वो मंतव यह है कि सन 47 के जोड़े अंग्रेज सी साम्राज सी गया वो पर्दे के पिछे होया पिछले पासे की कला अंग्रेज साम्राज नहीं पूरा बग साम्राज्यों का साडे हिंदुस्तान के आ बढ़िया उही कारण है साम्राज्यों की लुट का इतने जिंदा सरकार बनी है सारे ने वो नीतियां लागू कीतियां जिहड़े साम्राज चाहुंदा है उन्हां नीतियां नूं मोदी साहब बहुत तेजी नाल लागू कर रहे हैं उन्हां नीतियां दा सिट्टा है जे साडे अज नौजवान बेरोजगार तुरे फिरदे है उन्हां नीतियां दा सिट्टा है कि साडी पढ़ाई गई साडा लाज गया सनती मजदूरां नूं जिहड़े 8 घंटे कम करदे सी 12 घंटिया का ऐलान आ गया जिहड़ा उन्हां नूं कोई सुख सहूलतां मिलदी सी ओह सारियां खत्म है छोटी सनत बर्बाद करती है शहरी जड़े मजदूर आ वो जड़े खड़े है जिहड़ी साडी हिंदुस्तान की खेती है हो रही है साडे घरां च पत्थर पिस रहे है इस साम्राज्यां नीतियां लागू होण करके। नवजोत सिंह सिद्धू के अस्तीफे तो बाद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा है कि पंजाब दे विच एक बार फिर अपने आप नूं शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं अते पंजाब कांग्रेस दे विच अराजकता की संपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोग इन्हां स्वार्थियां नेतावां तो स्थिर अगांहवधू अते समावेशी प्रशासन देण की उम्मीद किवें कर सकते हैं क्योंकि यह कांग्रेस सरकार लोगों के बारे नहीं सोच रही सगों अपने ही कुर्सी दे विच लगी हुई है कुर्सी नूं बचाउण दे विच लगी हुई है। राघव चड्ढा का कहना है कि इस सत्ता की लड़ाई दे विच जेकर किसी का कोई नुकसान होया है तो वह सिर्फ पंजाब के लोगों का हो रहा है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से पंजाब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है शर्मिंदा महसूस कर रहा है। इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने पंजाब की सरकार को पंजाब के प्रशासन को एक गंदा मजाक बना दिया। इस सत्ता की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो हमारे पंजाब सूबे की आवाम का हुआ। मैं आज आप सबसे ये विनती करता हूँ कि आप सब मिलकर एकजुट होकर पंजाब की बेड़ी पार लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ आएं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक सुनहरा भविष्य दे सकती है पंजाब को खुशहाल बना सकती है और साथ ही साथ एक स्टेबल सरकार पंजाब को दे सकती है। आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर आगू और विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के नव नियुक्त एडवोकेट जनरल अमरप्रीत सिंह दियोल की नियुक्ति उत्ते सख्त इतराज और निराशा प्रगट करते हुए कहा है कि नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का असली चेहरा इन्ना जल्दी नंगा हो जाएगा कि सबका DGP सुमेत सैनी और बादल परिवार को बचाने के लिए सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नालों भी दो कदम अगे जाएंगे। चीमा ने मुख्यमंत्री चन्नी ये बजर गलती तुरंत सुधारन की अपील करद कहा है कि APS दियोल ने AG दे औहदे तो तुरंत हटाना चाहिए है। चीमा दे नाल ही चेतावनी दी है जेकर 10 दिनों के अंदर अंदर चन्नी सरकार ने APS दियोल नूं औहदे तो ना हटाया तो आम आदमी पार्टी सरकार विरुद्ध फैसला कुन संघर्ष करेगी। हरपाल चीमा ने कहा है कि APS दियोल ने सिर्फ सैनी ही नहीं सगों होर दोषियों के केस भी APS दियोल ही लड़ रहे हैं फिर APS दियोल की अगवाई दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों लड़े जा रहे संवेदनशील केसां दे विचों इंसाफ दी की उम्मीद की जा सकती है। चीमा ने कहा है कि यह सोची समझी साजिश का नतीजा है इंज लगता है कि जिवें बादलों ते सैनी ने सारी सरकार मशीनरी अपने हाथ दे विच लै ली होवे। अज एक बड़े इंपोर्टेंट इशू दे उत्ते तुहाडे नाल गलबात करन लगे हांगे। साढ़े चार साल जिहड़ी पुरानी सरकार सी कांग्रेस पार्टी की जिहदी अगवाई कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे सीगे साढ़े चार साल उन्होंने पंजाब विच पंजाब दा एडवोकेट जनरल अतल नंदा जी नूं ला के रख्या और जिन्हें भी केस सीगे जिहड़ा एडवोकेट जनरल हुंदा गा उन्हें सारे केस पंजाब सरकार की तरफों चाहे कोई भी सरकार के अगेंस्ट ऑफेंस करदा गा या सरकार के अगेंस्ट कोई भी काम करता गा उस व्यक्ति के खिलाफ सरकार के हक के केस लड़ते होंगे ने गे और अतुल नंदा जी जेडे कि साढ़े चार साल पंजाब के एडवोकेट जनरल रहे साढ़े चार साल उन्होंने एक भी केस सिंगल भी केस पंजाब सरकार के हक में जोड़ा है नहीं करवाया। सारे के सारे मेरा कहने का भाव सारे के सारे केस जोड़े है गे अतुल नंदा जी पंजाब सरकार की तरफों लगातार लूज करते रहे लगातार हारते रहे ये सारे पंजाब के लोगों को पता गा। आम आदमी पार्टी समय समय सिर
पंजाब की विधानसभा के अंदर पंजाब की विधानसभा तो बाहर ये मंग करती रही कि तुलंद तुरंत हटाया जाए, पर लेकिन पंजाब के बच्चे बच्चे पता सीगा कि अतुल नंदा जी कैप्टन साहब दे, अतुल नंदा जी कांग्रेस पार्टी दे, सोनिया गांधी दे कैप्टन साहब दे खासम खास बंदे सीगे, और एक होए समझौते दे अधीन जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का कैप्टन साहब का समझौता होया सीगा श्रोमणी अकाली दल दे नाल बीजेपी दे नाल बादल परिवार दे नाल कि जो असी सत्ता चाहवांगे तुसीं सानू कुछ ना कहो, जो तुसीं सत्ता चाहोगे असी तुहानू कुछ नहीं कहिंदे। उस होए गठजोड़ के तहत अतुल नंदा जी चाहे बहबल कला केस की गल कर लिए, चाहे कोट कपूरे वाले केस की गल कर लिए, चाहे सुमेर सिंह सैनी वाले केस की गल कर लिए, या कोल बाशिंग वाले केस की गल कर लिए, या होर तमाम केस जिन्हें भी केस पंजाब सरकार की तरफों अतुल नंदा जी ने लड़े सारे के सारे केस वह एक सोची समझी साजिश के अधीन, वो एक जी उन्हों गठजोड़ सीगा श्रोमणी अकाली दल के नाल कैप्टन साहब का कांग्रेस पार्टी का, उस गठजोड़ के अधीन सारे के सारे केस लूज करते रहे हारते रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी की दरियादिली उस वेले देखने मिली है जदों उन्होंने एक नेत्रहीन बजुर्ग की फरियाद सुन के तुरंत अधिकारियों उन्हां दी मदद करन दे हुकम दे दित्ते ने। मुख्यमंत्री सिद्धू ने अपने OSD नूं बजुर्ग की मदद करन दे लई कहा है। इस मौके रणजीत सिंह चन्नी ने बजुर्ग के पैरों नूं भी हाथ ला के आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस तो पहला मुख्यमंत्री का आम बंदे वाला अंदाज उस वेले सामने आया सी जदों बठिंडा दौरे दौरान उन्होंने एक किसान के घर बैठ के आम लोगों के नाल रोटी खाधी सी। जानकारी मुताबिक जदों कैबिनेट मंत्री दे लई मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी दफ्तर पहुंचे तां उत्थे पहला ही मौजूद एक नेत्रहीन बजुर्ग दे वल्लों मुख्यमंत्री दे सामने अपनी फरियाद रखी गई। मुख्यमंत्री दे वल्लों बजुर्ग दी फरियाद सुन के जिथे उन्होंने पैरी हाथ लाए गए उत्थे ही उन्होंने कहा कि मैं तुहाडे पुत्ता वर्गा हाँ ते मैं बापू तुहाडियां अखां दा इलाज जरूर करवावांगा। मुख्यमंत्री ने तुरंत अपने अधिकारियों नूं बजुर्ग दीआं अखां दा इलाज करवाउण दे लई प्रबंध करन दे हुक्म दे दित्ते ने। मुख्यमंत्री दी इस दरियादिली नूं वेख के उत्थे मौजूद होर लोक वी मुख्यमंत्री दीआं तारीफां करदे नजर आ। अमरीका ने एक अजिहा हथियार बनाया जिसकी गति आवाज के नालों 5 गुणा वध है। यह जानकारी पेंटागन ने सोमवार को दी। अमरीका ने हवा के साह लैण वाले हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस चीन के नाल चल रहे विवाद दौरान अमरीका ने सफल परीक्षण किया है। अमरीका 2013 तो अजिहा परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है। पेंटागन ने जानकारी दी है कि हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वैपन कंसैप्ट टैसट पिछले हफ्ते किया गया। इस प्रीख्या के नाल असी नवी पीढ़ी के वल वध रहे हैं। अमरीका फौजी शक्ति नूं मजबूत कर रहे हैं। अमरीका इस साल के आखिर तक अजिहे होर परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। हाइपरसोनिक हथियार एक घंटे के लगभग 6200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैक्सीको नूं आजादी मिलन दे 200 साल पूरे होण आयोजित प्रोग्राम दे विच भारत की नुमाइंदगी की है ते उत्तरी अमरीका देश दे नाल भारत की विशेष भाईवाली नूं रेखांकित किया है। जयशंकर मैक्सीको की 3 दिन की यात्रा ते ने ते विदेश मंत्री दे रूप दे विच उन्हां दी इस देश की पहली यात्रा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैक्सीको की आजादी प्राप्त के 200 साल पूरे होण मौके आयोजित समागमां दे विच भारत की नुमाइंदगी की गई है। साडे मजबूत संबंधां अते विशेष भाईवाली दोहराया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सैशन के समाप्ति तो बाद जयशंकर मैक्सीको के विदेश मंत्री मार्सेलो एबराड के सदे से अमरीका के नाल सीधे इत्थे पुजे सन। विदेश मंत्रालय अनुसार फिलहाल मैक्सीको लातीन अमरीका दे विच भारत का दूजा सब तो वड्डा व्यापारिक भागीदार है ते 2021-22 दे लई भारत दे नाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई मैंबर भी है। इस नाल दीआं खास खबरां देश विदेश दीआं होर खबरां देखने वास्ते तुसीं साडे यूट्यूब चैनल पंजाब मेल USA TV नूं करो सबसक्राइब। धन्यवाद।